डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज का लेक्चर वीडियो है ये एसपीपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग है एसपीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी निकाली है काफी लंबे टाइम बाद और दिया है कि टेंटेटिवली मई में एग्जाम होगा काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर है उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दो प्रीवियस ईयरस के ताकि हमें आइडिया लग जाएगी किस टाइप से प्रिपेयर करना है तो एक तो जो भी हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं या जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो कि एस में अपेयर हो रहे हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा रहा ऑडियंस ज्यादा रही तभी कंटिन्यू रखना पॉसिबल हो पाएगा इस सीरीज को मेरे लिए दूसरा अगर आप एस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक सक्सेस स्टोरीज नाम से प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो डाला हुआ है मैंने एक, एक एस का एग्जाम दिया था उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी तो मैंने उस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा तो स्टार्ट करते हैं ये हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम पीडब्ल्यू और आईपीएस डिपार्टमेंट में 2016 में फर्स्ट पार्ट मैंने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं आगे भी इस तरीके से पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि वुडन डाइविंग बोर्ड है थ्री मीटर लेंथ का एक साइड से ये है दूसरी साइड से टू मीटर लेंथ पे सपोर्टेड है स्प्रिंग से जिसका कांस्टेंट ये है पूछा है कि स्प्रिंग है वो कितना डिफ्लेक्ट होगी अगर एक यंग मैन है जिसका वेट फोर हंड्रेड न्यूटन है ये दूसरा एंड है बोर्ड का उस पर तो। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम ये एक वुडन डाइविंग बोर्ड हो गया 3.5 मीटर का यहां पर हिंज है यहां पर स्प्रिंग लगी हुई है टू मीटर पर आगे जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये होगा 1.5 मीटर क्योंकि टोटल लेंथ वो 3.5 मीटर है यहाँ पर कोई पर्सन है जिसका वेट है 400 न्यूटन और पूछा है कि स्प्रिंग कितनी डिफ्लेक्ट होगी तो इनिशियली जब ये पर्सन है यहाँ पर स्टैंड करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी क्योंकि के अबाउट मोमेंट ना आ रहा है अभी ये हॉर्जोटल पोजिशन में है तब तक इस पे सिर्फ एक ही वेट लग रहा है और इस वेट के कारण रिजल्टेंट मोमेंट होगा फोर हंड्रेड जिसके कारण जो हिंज है इसके अबाउट ये वुडन डाइविंग बोर्ड है ये डिफ्लेक्ट होगा सॉरी ये रोटेट होगा इस तरीके से अब जैसे जैसे इसका रोटेशन शुरू होगा वैसे वैसे स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि स्प्रिंग यहां पे कंप्रेस होगी तभी ये रोटेट हो पाएगा धीरे धीरे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी जिसके बाद में फर्दर डिफ्लेक्शन नहीं होगा स्प्रिंग में और ये रोटेट भी नहीं होगा स्टेबल रहेगा वो केस तब बनेगा जो 400 न्यूटन का जो लोड है इसके कारण जो मोमेंट आ रहा है हिंज के अबाउट और स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी उसके कारण स्प्रिंग में फोर्स आएगा उस फोर्स के कारण जो मोमेंट आ रहा है स्प्रिंग हिंज के अबाउट वो दोनों सेम होंगे उस केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी और उसके बाद में स्टेबल होगा फर्दर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा स्प्रिंग में कोई रोटेशन नहीं होगा अब हमें जस्ट मोमेंट्स को इक्वेट करना है स्प्रिंग का यहां पर कॉफिशेंट दिया गया है 35 फाइव किलो न्यूटन पर मीटर और लोड है ये न्यूटन में है तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं कि, न्यूटन में तो ये हो जाएगा 3500 हंड्रेड न्यूटन पर मीटर माना कि स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन है वो एक्स जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है तो, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है उसका मोमेंट हिंस के अबाउट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस पर्सन अबाउट हिंज तो पहले तो फोर्स निकालेंगे स्प्रिंग के कारण थ्री फाइव जीरो जीरो के है इंटू एक्समीटर मान लिया अगर डिफ्लेक्शन है तो ये तो हो गया फोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से ये मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज और इसके कारण जो मोमेंट आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज तो दोनों साइन में अपोजिट है मैग्नीट्यूड में सेम होंगे तो जीरो हो जाएगा इनका रिजल्टेंट तो फोर हंड्रेड इंटू थ्री पॉइंट फाइव ये पर्सन जो है यहां पर उसका मोमेंट हो गया यहां से हम एक्स निकाल सकते हैं फोर हंड्रेड इंटू थ्री पॉइंट फाइव अपॉन थर्टी फाइव हंड्रेड इंटू टू ये कैंसिल हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव है इससे करेंगे तो ये टेन आ जाएगा तो बचा टू बाई टेन तो ये हो जाएगा पॉइंट जीरो टू मीटर तो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट जीरो टू मीटर नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड में डिफरेंट फोर्सेस दिए गए हैं एक हंड्रेड न्यूटन का फोर्स है ओरिजोनटली एक फोर्टी फाइव डिग्री पे फोर्स है एफ एक इधर से फोर्टी फाइव डिग्री पे फोर्स है पी और एक एक्स डायरेक्शन दी गई है और पूछा कि एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी तो किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि उस डायरेक्शन में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उन सबको सम करके सम करके जीरो कर दो तो यही यहां पर करना है हमें जो भी तीनों फोर्सेस दिए गए हैं तीनों फोर्सेस के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा तो हंड्रेड का तो हमें दिखाई दे रहा है एंगल बन रहा थर्टी डिग्री का तो हंड्रेड का एक्स की डायरेक्शन में हो जाएगा हंड्रेड कॉस थर्टी एफ का ये एंगल बन रहा है थर्टी प्लस फोर्टी फाइव ये एंगल बन रहा है सेवनटी फाइव डिग्री एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा हंड्रेड का इस डायरेक्शन में है जो एक्स की डायरेक्शन है एफ का भी इसी डायरेक्शन में है तो हो जाएगा एफ कोस सेवेंटी फाइव डिग्री पी का जो कंपोनेंट आएगा उसके लिए हम एक्स को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना दी एक्स को पीछे की तरफ बढ़ा ये टोटल एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है ये वाला और ये वाला एंगल है थर्टी डिग्री ये वाला एंगल अगर थर्टी डिग्री है तो ये एंगल भी थर्टी डिग्री होगा इस इस लाइन 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 के 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 और के, के, और एक्स एक्स वाली वाली हॉरिजॉन्टल बीच का एंगल 30 डिग्री यहां पर दिया है तो थर्टी डिग्री हम यहां पर भी बना सकते हैं तो अब जो बचा हुआ एंगल है यहां पे ये ये हो जाएगा फिफ्टीन डिग्री तो पी का इधर एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा पी कोस फिफ्टीन डिग्री बट ये x के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम माइनस लिखेंगे तो माइनस कोस 15 डिग्री इज इक्वल टू जीरो और ये दिया गया है ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड में एक बीम दी गई है बीम के रिएक्शन भी दिए हैं और लोडिंग भी दी है और पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो ए वाले सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो अगर एक्स पता चल गया कि किस कितने तो फिर बेंडिंग मोमेंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें पता है कि सीएर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन होता टू डीएम बाई डीएक्स अब कोई भी फंक्शन अपने मैग्जिम और मिनिमा पे उसका डिफरेंट जीरो होता है तो एम की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होगी वहां पर डीएम बाई डीएक्स है वो जीरो होगा डीएम बाई डीएक्स जीरो होगा इट मीन उस पॉइंट पे सी फोर्स जीरो होगा तो हम पहले ए से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन लेंगे उसके लिए शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे और उसको जीरो के इक्वेट करेंगे वहां से एक्स मिल जाएगा उस एक्स पे जो सेक्शन आएगा उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे बट ये लोडिंग यहां पर जो दी है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया है इसके कारण जो शेयर फोर्स की इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर के टर्म में होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करना पड़ेगा और इसके कारण यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाता है ऊपर से ऑप्शन काफी नजदीक दिए हैं तो एग्जाम के लिए ये एडवाइस है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प ना करें इसमें अगर यूडीएल दिया हो तो काफी सिंपल हो जाता है आप कर सकते हो बट जो क्वाडिटी की क्वेश्चन बनेगी उसमें भी फिफ्टी तो डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं आपको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एस का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा रूट लेना पड़ेगा और फिर ऐसे में बिना कैलकुलेटर के एग्जैक्टली exactly हम सॉल्व नहीं कर सकते प्रोसीजर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं इस से डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया है हमने ये यहां पर आप शेयर फोर्स के इक्वेशन लिखेंगे तो अपवर्ड वाला जो शेयर फोर्स है उसको नेगेटिव ले लेते हैं कैसे भी ले सकते हो साइन अपने अकॉर्डिंग फर्क नहीं पड़ेगा तो माइनस टू पॉइंट सिक्स सेवन डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लेंगे अब डाउनवर्ड वाला इस तरीके से रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एक यहाँ पर सो रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो एक तो एक इसमें रेक्टेंगुलर लोडिंग हो गई जिसका ये मैग्नीट्यूड होता जीरो पॉइंट एट किलो न्यूटन और दूसरी ये वाली जो बचेगा ये हो जाएगी ऊपर वाली ट्राइंगुलर अब जो रेक्टेंगुलर वाली लोडिंग है उसके कारण सी फोर्स आ जाएगा जीरो पॉइंट एट तो ये यूडीएल है Into डिस्टेंस और डिस्टेंस हो गई एक्स तो ये तो हुआ जो रेक्टेंगुलर वाली लोडिंग आ रही है इसके लिए ऊपर ट्राइंगर वाली लोडिंग आ रही है उसके लिए लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये ऑर्डिनेट कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पर ये जीरो है तो यहां पे ये ऑर्डिनेट कितनी होगी हमें पता है कि फाइव मीटर पर ये ऑर्डिनेट है ये वन पॉइंट सिक्स है एक मिनट मोर क्लियरली इसका डायग्राम बना देती हूँ ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर जो लोडिंग है तो जो ट्राइंगुलर ट्रेपेजोड में जो नीचे रेक्टेंगुलर वाली लोडिंग है वो तो हो जाएगी एक जीरो पॉइंट एट किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल सिंपल जो यूडीएल के, के केस में होता है ऊपर एक ट्राइंगर लोडिंग बचेगी जिसका ये वाला ऑर्डिनेट यहां पर ये ट्राइंगर है तो ये जीरो और ये वाला है ये जीरो पॉइंट एट है तो एक्स डिस्टेंस पे ये ऑर्डिनेट कितनी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो पॉइंट एट ये ऑर्डिनेट आ रही है फाइव मीटर पे तो एक्स पे कितनी होगी जीरो पॉइंट फाइव अपॉन जीरो पॉइंट एट अपॉन फाइव इंटू एक्स ये आई है हमारी यहाँ पर जो ट्राइंगुलर लोडिंग बन आ रही है उसकी ये वाली ऑर्डिनेट इस ऑर्डिनेट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑर्डिनेट है जीरो पॉइंट एट अपॉन फाइव इंटू एक्स ये डिस्टेंस है एक्स तो जो लोडिंग है उसका एरिया होगा वो इक्वल होगा जीरो पॉइंट एट बाई टू इंटू एक्स इंटू एक्स बाई टू ये है ये ट्राइंगुलर का हाइट है और ये वाला है ये बेस है तो ट्राइंगुलर का एरिया होगा एक्स बाई टू यहां पर इसलिए लगाए क्योंकि तो ट्राइंगल का एरिया होता है वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट तो ये जीरो के इक्वल करेंगे अब ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी माइनस टू पॉइंट सिक्स सेवन प्लस जीरो पॉइंट एट एक्स प्लस पॉइंट जीरो एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो इसको फिर आपको जो फॉर्मूला होता है इससे सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर्स तो इसके आएंगे नहीं अपॉन टू ए मैंने इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया है उसके में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो टू पॉइंट सिक्स फोर के अराउंड आ रही है अब एक्स की वैल्यू आ गई है तो हम इस एक्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं तो वैसे तो आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसी सेम लोकेशन नहीं दी गई है जिनके बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट हो तो अगर आपको टू पॉइंट सिक्स फोर आया हमारा थोड़ा सा राउंड ऑफ करने में कैलकुलेशन किस कितनी एक्यूरेसी तक सोल्व कर रहे हैं उससे फर्क पड़ जाता है तो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा ये बेंडिंग मोमेंट भी हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए एक तो रिएक्शन का बेंडिंग मोमेंट आएगा रिएक्शन का बेंडिंग मोमेंट है वो है सेगिंग तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे 2.7 पॉइंट सेवन एक्स इसके बाद जो ये वाली लोडिंग है रेक्टेंगुलर वाली इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा 0.8 पॉइंट एट एक्स ये तो लोड हो गया इंटू डिस्टेंस मोमेंट के लिए प्लस ट्राइंगुलर वाली जो लोडिंग है उसका ये वाला ऑर्डिनेट तो है 0.8 ये जो ऑर्डिनेट है ये वाला एक्स डिस्टेंस पे जीरो पॉइंट एट अपॉन फाइव इंटू एक्स इंटू बेस इंटू वन बाई टू ये तो एरिया हो गया तो टोटल लोडिंग हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से तो इसका सेंट्रोइड होगा यहां से एक्स बाई थ्री पर तो इसको एक्स बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर जब एक्स की वैल्यू रख तो के आप सोल्व करोगे तो थ्री पॉइंट सेवन सेवन किलो न्यूटन मीटर के अराउंड कुछ आएगा तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट तो ये आ गया है लगभग थ्री पॉइंट सेवन नाइन दिया इसने इसमें आएगा, तो राउंड ऑफ करके हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ निकालने का फॉर्मूला होता है एवन वाई वन प्लस ए वन प्लस ए टू वाई बार यहां पर कोई एक्सेस है जिससे ये डिस्टेंस होगी जैसे टॉप वाली लाइन हमने ले ली ये टॉप वाली लाइन से वाई बार डेफ पे न्यूट्रल एक्सेस होगी ए वन ए टू ये स्मॉल पार्ट्स हैं टोटल एरिया का वाई वन है वो टॉप है जो है ये वाली लाइन इससे डिस्टेंस है इसके ए वन एरिया के सेंट्रोइड की वाई टू है वो ए टू एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस है तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर ले सकते हैं इस तरीके से तो ऊपर वाला जो एरिया होगा उसमें ये अगर ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि ये बाई है और ये ऊपर वाला भी एल बाई टू होगी ये वाले डायमेंशन तो ये ए और ये ए होगा और ये भी ए होगा ये एल बाई टू है और ये वाला भी एल बाई टू होगा तो टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला टोटल इसका एरिया ए वन हो जाएगा टू ए और इसकी सेंट्रोइड की डिस्टेंस हो जाएगी टॉप फाइबर से एल बाई टू का हाफ क्योंकि सिमेट्रिक है ए टू एरिया हो जाएगा के इक्वल और ये इसका जो सेंट्रोइड है ये डिस्टेंस होगी एल बाई फोर तो वाई टू हो जाएगा एल बाई फोर प्लस एल बाई टू ये सारी वेल्यूज ए वन वाई वन ए फॉर्मूले में रखने पे आएगा टू ए इंटू एल बाई फोर प्लस एंटू थ्री एल बाई फोर अपॉन टू ए प्लस ए इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइव बाई ट्वेल्व इंटू एल ये दिया गया है ऑप्शन सी में तो टॉप से हो जाएगा फाइव एल बाई ऑप्शन सी नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ में दिया गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है वो ट्रांसमर्सली लोडेड है तो ये बीम ट्रांसमर्सली लोडेड होगी अगर इस तरीके से लोडेड होगी यूडीएल से या फिर पॉइंट लोड किसी भी टाइप का लोड हो सकता है अगर ये इस टाइप से लोडेड होगी तो इसमें सेगिंग होगी इस तरीके से जिसके कारण नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे और टॉप पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस तो स्ट्रेस मैक्सिमम होंगे वो बॉटम पे होंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स यहाँ पर तीन स्ट्रेसेस दिए गए हैं जिनमें दो नॉर्मल स्ट्रेसेस है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और एक सीरियस स्ट्रेस है और पूछा है कि मिसेस क्राइटेरिया जो होता है जो थ्योरीज ऑफ फेलियर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी गई है फेलियर के लिए तो जो मैक्सिमम सीर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है जिसी को उसी को मिसेस हैंकी थ्योरी भी कहा जाता है तो उसके रिगार्डिंग पूछा है कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए बट जो भी थ्योरीज ऑफ फेलियर है उनको लगाने के लिए हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता होने चाहिए यहाँ पे जो स्ट्रेसेस दिए हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं है क्योंकि एक्स और वाई प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेस भी आ रहा है तो पहले तो ये जो डेटा दिया है इससे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने होंगे और उन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से फिर हमें यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो तीन स्ट्रेसेस दिए गए हैं और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे इनसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मुला होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने का प्लस करेंगे तो मेजर प्रिंसिपल आएगा स्ट्रेस आएगा माइनस करेंगे तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जाएगा इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे कुछ आएगा तो दो स्ट्रेसेज हो गए अब यहां पर एक हो गया माइनस ट्वेंटी सिक्स टू और दूसरा है फोर्टी वन पॉइंट सिक्स टू उसके बाद मैक्सिमम मैग्जिम सीट एनर्जी थ्योरी या मिसेज हेंकी थ्योरी जो है इसका फॉर्मूला होता है वन बाई टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई का स्क्वायर यहां पर दो ही स्ट्रेसेज हैं तो एक सिग्मा वन हो गया एक सिग्मा टू हो गया सिग्मा थ्री है वो जीरो हो गया क्योंकि टू डी की प्रॉब्लम है जो दिया है क्वेश्चन में उसमें दिया है कि थिन प्लेट है तो यहां पर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ये आ जाएगा फोर्टी वन पॉइंट सिक्स टू माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर फिर फोर्टी वन पॉइंट सिक्स टू का स्क्वायर और ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स टू का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में सिग्मा वाई का स्क्वायर इससे जब सिग्मा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये सिग्मा वाई आएगा डिवाइडेड और इसका रूट और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स सेवन मेगा जो है वो बट काफी कैलकुलेटिव है और इस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है तो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे आप इस टाइप के क्वेश्चन तो ये रूट आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे विदाउट कैलकुलेटर वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी काफी नजदीक दिया गया है यहां पर अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर अप्रोक्सीमेट करके भी क्वेश्चन किया जा सकता था तो सिग्मा वाई की फिफ्टी फाइव पॉइंट वैल्यू आई तो ऑप्शन बी हो गया आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ में एक रेक्टेंगुलर बीम दी गई है उसका क्रॉस सेक्शन है उसकी विर्थ बी है डेफ्थ डी है और लोडेड है इस तरीके से दो पॉइंट लोड लग रहे हैं हमें रेशियो निकालना है मैक्सिमम सीर स्ट्रेस का और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का इसमें दो रिएक्शन आएंगे इस तरीके से सिमेट्री का तो दोनों पीपी -पी हो जाएंगे इसके बाद में सीर स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पे निकालना है तो उस पर जितना सीयर फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ये उस सेक्शन के लिए शीर स्ट्रेस है जो कि एवरेज सीयर स्ट्रेस होता है तो कोई भी सेक्शन ले लिया जैसे ये वाला सेक्शन ले लिया तो पी यहाँ पर सीएर फोर्स सेक्शन है वो पी बा है तो ये वैल्यू आई है एवरेज स्ट्रेस की हमसे पूछा मैक्सिमम मैक्स के सेक्शन में मैक्सिमम और एवरेज का जो रेशियो होता है वो वन पॉइंट फाइव होता है तो मैक्सिमम सीर स्ट्रेस हो जाएगा वन पॉइंट फाइव पी अपॉन बी डी किसी को याद नहीं आ रहा हो तो इस तरीके से

ई की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम होगी वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी डी बाई टू अगर इस तरीके से ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये डी बाई टू है वो वाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बेंडिंग मोमेंट है वो यहां पर जीरो है यहां से यहां तक लीनियरली वेरी करके यहां पे मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा पी इन टू ए बेंडिंग मोमेंट हो गया नीचे आई है बी डी क्यू बाई ट्वेल्व वाई है डी बाई टू तो यहां से सिग्मा बी आ जाएगा थ्री पी क्वेश्चन सेवंथ में दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन दी हुई है

उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे तो जैसे कि हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया यहां पे सीर फोर्स लग रहा है पी तो सीर स्ट्रेस हो जाएगा पी बाई बी डी बट ये वैल्यू आई है अभी एवरेज सीर स्ट्रेस की एवरेज सीर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम सीर स्ट्रेस में रेशियो होता है हर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बीम के लिए रेक्टेंगुलर में रेशियो होता है जैसे कि रेक्टेंगुलर बीम के लिए हम सीर स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करें तो इस तरीके से बीच में कहीं पर मैक्सिमम होगा सीर स्ट्रेस और एजेस पे जीरो होगा तो ये हमने निकाला ये तो एवरेज सी स्ट्रेस है हमें इससे ये मैक्सिमम वाला सीर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो रेक्टेंगुलर बीम में ये फैक्टर होता है रेशियो होता होता है होता है तो एवरेज सीर स्ट्रेस से मैक्सिमम सीर स्ट्रेस आ गया है। यहाँ पर इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाई टू बी पी अपॉन बी डी लिख सकते हैं दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस का भी सिंपल सा वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई एम और आई तो कॉन्स्टेंट है या फिर ऐसा सेक्शन हम ले जिसके लिए एम मैक्सिमम हो और उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हम ऐसा पॉइंट ले जहां पर वाई मैक्सिमम हो तो वहां पर मैक्सिमम मैगजिम स्ट्रेस होगा इसका बेंडिंग करें। तो ये यहां से यहां तक हो और स्ट्रेस होगा हो इस सेक्शन पे पी इंटू ए क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है वो पी है पी इंटू ए बेंडिंग मोमेंट होगा इसके बाद में बेंडिंग मोमेंट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा ये फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा आप इक्वेशन निकाल के फाइंड आउट कर सकते हो आई थिंक कॉन्स्टेंट होता है इस वाले केस में तो अब यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे वाई की जगह रखेंगे डीवाई टू वाई की जगह डीवाई टू इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बीम है इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो टॉप और बॉटम फाइबर है वहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है इस तरीके से लोडेड है तो ये सैगिंग होगी इसने बेंडिंग स्ट्रेस बोला है तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो

थ्री बाई टू पी अपॉन बी डी डिवाइडेड बाई जो बेंडिंग वाला स्ट्रेस है जो है सिक्स पी ए अपॉन बी डी स्क्वायर इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा डी बाई फोर ए ये से कैंसिल होगा तो टू आ जाएगा तो नीचे फोर आ जाएगा ये कैंसिल होगा तो यहां पर डी बच जाएगा इसे पी कैंसिल हो जाएगा डी बाई फोर ए आ जाएगा मैक्सिमम सीर स्ट्रेस और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का रेशियो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन एट में पूछा है कि वैल्यू है स्ट्रेस तो की जिस पे मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाता है और प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है इलास्टिक बिहेवियर मीन्स लोडिंग को रिमूव करने के बाद में मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप ले लेता है तो वो इलास्टिक बिहेवियर है लेकिन हम स्ट्रेसेस को अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इलास्टिकली बिहेव ना करके प्लास्टिकली बिहेव करता है मतलब जो भी उसमें डिफॉर्मेशन आया है लोडिंग लोडिंग के कारण हटाने पे भी वो, नहीं जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आर्बिट्री प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ में पूछा गया है कि कोई साफ्ट है जिसमें प्योर टॉर्जन लग रहा है उस केस में कौन कौन से आएंगे और किस डायरेक्शन में होंगे तो इसमें दो स्ट्रेसेज होंगे दोनों ही सीयर स्ट्रेस होंगे एक लॉन्गिट्यूटल डायरेक्शन में होगा और एक सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में होगा की हेल्प से आप समझ सकते हो लगने वाले स्ट्रेसेस को ये टॉर्क लग रहा है तो इसके कारण ये सीयर स्ट्रेसेस यहां पर डेवलप होंगे अगर आप ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो टॉर्क अप्लाई कर रहे हो ये वाला जो है यहाँ पर और ये है इनके रेस्पेक्ट में कुछ मोमेंट होना चाहेगा इस तरीके से एक्ट करेगा और जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसके कारण इधर कॉम्प्लीमेंट्री इस डायरेक्शन में एक और डायग्राम है जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर कोई साफ्ट है जिसपे टॉर्क लग रहा है और हम उस उसपे रेक्टेंगुलर मार्क करें तो रेक्टेंगल जो होंगे वो इस तरीके से डिफॉर्म होंगे इनिशियली इनिसियलिक इस तरीके से रेक्टेंगुलर था सरफेस पे और अभी ये डिफॉर्म हो गए टॉर्जन के कारण इस तरीके से हो गया तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसमें इस डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों ही डायरेक्शन में सीर स्ट्रेसेस हैं यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन टेंथ में दिया है कि एक सॉलिड साफ्ट है जिसका डायमीटर हंड्रेड एम mm एम है लेंथ इतनी है उस उसपे कोई ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है एम टी टॉर्क हो गए मैक्सिमम सीर स्ट्रेस डेवलप्ड है वो सिक्सटी है अगर उसमें एक होल कर दिया जाए पहले वो सॉलिड है इस तरीके से फिर बीच में एक होल कर दिया फिफ्टी एमएम mm डायमीटर का तो ये होल हो गया तो ये सॉलिड है और बीच में होलो हो है अभी इसमें कितना हम टॉर्क लगाएं कि मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है वो पहले जितना था सिक्सटीन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अभी उतना ही रहे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं पूछी है दोनों टोर्क जो होंगे उनका डिफरेंस पूछा है कि कितना टॉर्क हम रिड्यूस कर दें पहले टॉर्क था वो एम था उसको हम कितना रिड्यूस कर दें कि सेम स्ट्रेसेस डेवलप हो तो काफी आसान सा है ये फॉर्मूला आपको पता होगा टी अपॉन जे इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन आर पहले जो सॉलिड था उसके लिए इसको अप्लाई करेंगे तो टी है वो एम टी है अपॉन जे पाई बाई थर्टी टू डी रेस टू पावर फोर अभी वैल्यू नहीं रखते हैं लास्ट में रख देंगे टो तो एस अपॉन आर अब अगर इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करें होलो वाले केस के लिए इसको टी वन बोल रहे हैं टी टू बोले तो उस केस में इस फॉर्मूला में देखा जाए तो आर की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि होलो है बट रेडियस अभी भी सेम है स्ट्रेस जो आ रहा है वो क्वेश्चन में दिया है कि सेम होना चाहिए तो ये वैल्यू फिर भी सेम रहेगी तो हम लिख सकते हैं कि टी वन जे वन शुड बी इक्वल टू टी टू जे टू तो टी वन तो ये हो गया टू जे टू है तो टी टू हमें कैलकुलेट करना है और जे टू हम लिख सकते हैं टी टू को हम टी टू से डिनोट कर देते हैं है, जे टू है वो होलो है उसका डायमीटर है कैपिटल डी है वो जो टोटल डायमीटर है वो है कैपिटल डी है वो हंड्रेड है स्मॉल डी है वो फिफ्टी है तो यहां पर पाई बाई थर्टी टू से तो ये कैंसिल हो जाएगा टी टू अगर कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा डी और स्मॉल डी की वैल्यू रखने के बाद में हंड्रेड टू पावर फोर माइनस फिफ्टी रेज टू पावर फोर इसको अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो ईजी पड़ेगा दिस 10, हंड्रेड का स्क्वायर प्लस फिफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हंड्रेड रेज टू पावर फोर इसको आप सोल्व करोगे तो फाइनल जो आएगा वो आएगा फिफ्टीन एम टी बाई सिक्सटीन पहले एम था अभी आ रहा है 15, एम्टी 16, मतलब एम्टी था उसमें से हम एम टी वाई रिड्यूस कर दें तो भी जो शेयर डेवलप होंगे पिछले केस में और इस वाले केस में वो दोनों सेम हो जाएंगे तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन इलेवंथ क्वेश्चन इलेवंथ में दिया है कि एक सर्कुलर साफ्ट है जिसमें प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में कि, कि किस तरीके से उसमें शेयर स्ट्रेसिस डेवलप होंगे यहाँ पर पूछा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होंगे जो आउटर पेरीफेरी पे वो किस तरीके से एक्ट करेंगे तो इसमें स्ट्रेस आ रहा था और जो साफ्ट की आउटर फेरी फेरी है उसमें लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस आ रहा था और सकम स्ट्रेस आ रहा था तो इस वाले केस के लिए अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेज वाला चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेसेस प्लॉट करें इसका मोर्स अगर हम बनाएं तो दो प्लेन है जैसे कि नॉर्मल वाला जो सर्कल वाला प्लेन है उस प्लेन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा उसके बाद में हम सीर स्ट्रेस को मार्क करेंगे सीर स्ट्रेस है वो टू एक्स वाई है जैसे उसकी वैल्यू ये है तो ये रेडियस हो गई और सर्किल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा तो ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन होंगे यहाँ सिग्मा पीवन कुछ पी स्ट्रेस हो गया सीर स्ट्रेस जीरो हो गया इस पे भी सीर स्ट्रेस जीरो है और नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा पी है तो ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का इट मींस जिस प्लेन पे सीए स्ट्रेस लग रहे थे ये वाला जो प्लेन है उससे 90 बाई टू फोर्टी फाइव डिग्री पे प्रिंसिपल प्लेन होंगे जहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री टू द एक्सेस ऑफ द साफ्ट क्वेश्चन वो काफी सिंपल है यहाँ पर दिया है कि एक कंटल्यूट बीम है उस पर यूडीएल लग रहा है यहां पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो दिया गया है 15 mm, तो डिफ्लेक्शन का होता है यूडीएल केस में WL एल रेज टू पावर फोर अपॉन एट ई आई ये है फिफ्टीन एम mm, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं थाउजेंड से डिवाइड करके और जो स्लोप है फ्री एंड पे वो है पॉइंट जीरो टू रेडियन और स्लोप होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई और हमसे पूछा गया लेंथ तो इन दोनों का अगर हम रेशियो ले डेल्टा बी अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन थाउजेंड है तो पॉइंट जीरो वन फाइव लिख सकते हैं इसको डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो टू यहां पर बच्चाएगा एल इंटू सिक्स अपॉन एट तो टू से करेंगे तो थ्री हो जाएगा और ये फोर हो जाएगा अल्टीमेटली आएगा जो लेंथ है वो इक्वल आएगी पॉइंट जीरो वन फाइव पॉइंट जीरो टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहां पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा ये फाइव हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा और थ्री बाई थ्री आ जाएगा वन मीटर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन है वो काफी ज्यादा लेंदी है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है ये तो मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी है इंटरेस्ट है जानना चाहते हैं कि कैसे सोल्व होगा तो इसका रिटर्न सोल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी आप कमेंट करके बता दें कि आप जानना चाहते हैं सोल्यूशन जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्टीन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नाइन बाई एट क्वेश्चन फोर्टीन है काफी आसान है एक लिस्ट में इलास्टिक कांस्टेंट ती है दूसरे में डेफिनेशन दी है और हमें मैच करना है तो ए का हो जाएगा टू यंग मॉडल रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन बी का हो जाएगा वन पॉइंस रेशियो तो ये है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट सी का हो जाएगा फोर डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डी रिजिडिटी मॉड्यूल होता है सीर स्ट्रेस और सीर स्ट्रेन का रेशियो तो बी का वन सी का फोर और डी का थ्री और ये दिया है ऑप्शन बी में तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्टीन ये भी काफी आसान है काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में बुक्स में मिल जाएगा आपको आर गोर गुप्ता गुप्ता की बुक है उनमें कि अगर कहीं पे कंप्रेसिव लोड लग रहे हैं तो उसको पेडिस्टल कब बोलेंगे जब उसका रेशियो है इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लेटर डायमेंशन का वो किससे एक्सीड नहीं होगा तो इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो अगर थ्री से या थ्री से कम है तो पेडिस्टल बोला जाता है और ज्यादा है तो कॉलम बोला जाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्सटींथ सिक्सटीन में पूछा है कि टू वे स्लैब के केस में रेनफोर्समेंट एनफोर्समेंट पर प्रोवाइड किया जाता है तो ये टॉप और बॉटम फेस दोनों पे दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 ये भी काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि कोई रेक्टेंगुलर अंडर एंड फोर्स सेक्शन है और उसके बेंडिंग मोमेंट है वो उसके मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल है उस केस में स्टील में जो स्ट्रेसेज होंगे और एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट में जो स्ट्रेसेज होंगे वो कितने होंगे सिग्मा एस और सिग्मा सी है वो स्ट्रेसेज हैं जो स्टील में और कंक्रीट में है और एफ वाई है वो यील्ड स्ट्रेंथ है और एफ सी है वो कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेस कैरी करने की कैपेसिटी है तो अंडर एंडफोट सेक्शन है तो सबसे पहले स्टील है वो फेल होगा उसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस रीच होंगे तो कंक्रीट में उस टाइम स्ट्रेसेस होंगे वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो स्ट्रेस वो कैरी कर सकता है ले सकता है उससे कम होगा बट स्टील में जो स्ट्रेसेज होंगे वो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है एफ वाई उसके इक्वल होगा तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी कि स्टील में तो स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुके हैं कंक्रीट में अभी तक नहीं पहुंचे हैं और यही अंडर एंडफोर्स सेक्शन में होता है और इसका हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टील में होती है थोड़ा सा डिफॉर्मेशन में टाइम लगता है तो एक वार्निंग साइन मिल जाता है तो हम नहीं चाहते कि कॉन्क्रीट पहले फेल हो पहले स्टील फेल होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन एटींथ में भी कैलकुलेटिव है काफी ज्यादा ये पर पूछा है कि एक अंडर एनफोर्स्ड वन वे स्लैब है जिसकी इफेक्टिव डेप्थ है वो हंड्रेड एम एम है प्रोवाइड किया गया है वो टेन एम एम बार्स है और एफ स्टील पर यूज किया गया है तो सबसे पहले तो एक्स यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि अंडर इनफोर्स तो है बैलेंस्ड सेक्शन होता तब तो एक्स यू हम लिमिटिंग वाली वैल्यू ले सकते थे बट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस को इक्वल पुट करेंगे और यहां से एक्स यू कैलकुलेट कर लेंगे बी है इस स्लैब के केस में वन मीटर लेते हैं तो थाउजेंड एमएम हो जाएगा ए एस टी है वो हम पुट करेंगे कि एरिया ऑफ स्टील है वो वन मीटर विथ में कितना है तो टू हंड्रेड एमएम की स्पेसिंग पे बार्स हैं। तो वन मीटर में थाउजेंड हंड्रेड में, में फाइव बार होंगे यहाँ पर तो एक्स यू हो जाएगा जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाइव फोर वन फाइव इंटू ए एस टी तो फाइव बार है तो फाइव इंटू फाइव बाई फोर इंटू टेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीरो थाउजेंड एफ सी के दिया गया है ट्वेंटी यहां से एक्स यू की जो वैल्यू आएगी वो 19 .69, 19 .69 आ जाएगी नाइनटीन पॉइंट सिक्स नाइन नाइनटीन पॉइंट सिक्स नाइन सेंटीमीटर आ गई है अब यह जो वैल्यू दी है एक्स यू की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इसको यूज करके हम बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट है उसका फॉर्मुला होता है जीरो पॉइंट एट सेवन फोर वन फाइव ए एस टी अगर है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं डी माइनस पॉइंट फोर टू एक्स यू तो पॉइंट एट सेवन इंटू फोर वन फाइव एरिया ऑफ स्टील जो यहाँ पर हमने लिया था फाइव इंटू फाइव बाई फोर इंटू टेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी है वो हंड्रेड है माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू की वैल्यू है वो नाइनटीन पॉइंट सिक्स नाइन है तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये न्यूटन एम mm में आएगा तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये थर्टीन किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर थर्टीन किलो न्यूटन मीटर है ये मेडिंग मोमेंट है वन मीटर वीर्थ ऑफ तो स्लैब के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नाइनटीन क्वेश्चन नाइनटीन में पूछा है कि एंटायर कंट्री है उसको विंड लोडिंग के बेसिस पे कितने जोनस में बांटा गया है तो सिक्स जोन में बांटा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी है ये 456 से लिया गया क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि सी वाटर में कोई एक्सपोज है कॉन्क्रीट सी कोस्ट के अलोंग तो एटलीस्ट रेनफोर्ड आरसी है रेनफोस्ड कॉन्क्रीट सीमेंट है उस केस में कौन सी ग्रेड के कॉन्क्रीट हम यूज करेंगे तो दो डिफरेंट केस होते हैं इसमें अगर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है तब तो एम ट्वेंटी मिनिमम होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस के लिए और अगर रेनफोस्ट कॉन्क्रीट है तो उस केस में मिनिमम है वो एम थर्टी होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे